भिंड शहर के युवाओं और समाज सेवियों के द्वारा चलाए जा रहे जस्टिस फॉर भिंड अभियान के तहत युवाओं, छात्रों और समाज सेवियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक रैली बिहारी पार्क गौरी सरोवर से लाहार चुंगी तक निकाली गई। इस रैली में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। रैली में शहर के बुद्धिजीवी, समाज सेवी, अभिभाषक, भूतपूर्व सैनिक, अध्यापक, युवा युवतियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गौरतलब है कि भिंड जिले के युवाओं के द्वारा पिछले 3 महीने से जस्टिस फॉर भिंड के नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभियान से जुड़े सदस्यों के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है और हस्ताक्षर अभियान व मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड भी भेजे जा रहे हैं। 3 महीने पूर्व शुरू हुआ आंदोलन धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। आज की रैली में भी सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी की जाएगी। जस्टिस फॉर भिंड के सदस्य सतीश राजावत ने भिंड जिले के सभी विधायकों को चेतावनी देते हुए कहा कि जस्टिस फॉर भिंड की मांगों के लिए आप लोग भी प्रयास करें, अन्यथा हमें मजबूरन आप सभी का पुतला दहन कर विरोध करना पड़ेगा। जस्टिस फॉर भिंड अभियान की प्रमुख मांगे भिंड को नगर निगम बनाने, मेडिकल कॉलेज बनाने और भिंड से भोपाल और दिल्ली के लिए ट्रेनों का संचालन करने की है। इस आंदोलन को भूतपूर्व सैनिक संघ, जिला अभिभाषक संघ, शिक्षक संघ सहित जिले के समाज सेवियों और बुद्धिजीवियों का समर्थन प्राप्त है। भिंड में मेडिकल कॉलेज पहले भी यहाँ पास हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि और जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से यहाँ का मेडिकल कॉलेज यहाँ न रहते हुए दतिया चला गया था। उसके बाद हमारा जो सैनिक स्कूल यहाँ पास हो चुका था, लेकिन मालमपुर में डाल दिया। मालमपुर से रहने से उसकी जो फायदा वो तो ग्वालियर को होगा, भिंड के युवाओं का फायदा, कोई फायदा नहीं है। आज हम लोगों ने इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि नए 17 मेडिकल कॉलेज भिंड में पास होने हैं, उसमें मतलब MBM पास होने हैं, उसमें हमारे भिंड को एक मेडिकल कॉलेज दिया जाए जिससे हमारे युवा अपने मेडिकल कॉलेज पढ़ाई बाहर न जाते हुए भिंड में रह के पढ़ाई कर सकें। मेडिकल कॉलेज नगर निगम पहले भी घोफड़ा हो चुकी थी, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। इसलिए अभी हम नेताओं के जरिए से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहेंगे कि हमारे भिंड को नगर निगम घोषित किया जाए और उसके पालन किया जाए। सती भाई, आखिर कब तक भिंड को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आवागमन से वंचित रखा जाएगा? ये कब तक सरकारों की साजिश के तहत भिंड जिले को पीछे रखा जाएगा?